मालिक की प्यारी सत्संग जीओ, और आज का दिन जैसे आप जानते हैं सच्चे दाता रहबर की गद्दी नशीनी शास्त्र नाम जी दाता की हुई, सो इस दिन को महारहमो करम दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि रविवार का भंडारा मनाया, सत्संगत ने खुशियां ली, तो आज का वो दिन है और आज भी मालिक आपको भंडारों की खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, नेक अकल दे, सदबुद्धि दे, ताकि भगवान के रास्ते पे, अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे चलते हुए आप कभी मन के हत्थे ना चढ़े, मन के गुलाम ना बने, यही सतगुरु मौला से प्रार्थना है कि आपकी आत्मा हमेशा जीतती जाए। ओम हरि, अल्लाह वाहिगुरु राम, सतगुरु मौला से प्यार बढ़ता जाए, घर में मालिक बरकतें लाए। सो सतगुरु के रहमो करम का ऋण कोई चुका नहीं सकता। जो लोग वचनों को मानते हैं, जो लोग वचनों पे अमल करते हैं, यकीनन बिन मांगे उनकी झोलियां भरती चली जाती हैं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक अपने आप सब कुछ बख्श देता है। बस मन से लड़ो, तभी वचनों पे अमल कर पाओगे, तभी वचनों पे 100% यकीन आएगा। और वचनों पे अमल करने के लिए सेवा और सुमरन दोनों जरूरी हैं। आप लगातार सुमरन करते रहें, सेवा करते रहें, तो मन काबू में आता है। मन बड़ा ही चालबाज है, ये दौड़ता रहता है, भागता रहता है। इंसान को किसी तरह की कमी आ भी जाए तो ये मन जालिम उसको पकड़ के लंबी डार बना देता है। किसी को कोई थोड़ी परेशानी हो गई, घर में थोड़ी मुश्किल आ गई, थोड़ी बीमारी लग गई, तो मन ऐसी चीजें ढूंढता रहता है। तू तो राम का नाम लेने वाला था, तेरे साथ ऐसा क्यों? तू तो भक्ति करने वाला था, तू तो सेवादार था। अब ये तो मालिक जानता है और आप जानते हैं कि अगर कहीं चूक है तो वो भक्ति में, इंसान में। अगर सुमरण करो घंटा सुबह शाम तो पाप कर्म कट जाएं, आने वाली बीमारियां कट जाएं, नहीं तो भोगने पड़ते हैं। लगातार सेवा करो पहाड़ से कंकर बन जाता है, ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है। पर लगातार सुमरन चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए अगर आप करते जाएंगे तो मालिक के रहमो करम के हकदार जरूर बन पाएंगे। उसका रहमो करम बरसता है, बरसता था और कई गुना बढ़ के बरसता जा रहा है। जिनकी झोलियां, जिनके दामन फैले हुए हैं, उनमें रहमो करम आता जा रहा है। और जो तंग दिल हैं, जो वचन नहीं मानते, जो मन के हाथों मजबूर होके बुरे कर्म करते रहते हैं, तो वो मालिक से वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, बरसते हुए रहमो करम में भी सूखे रह जाते हैं। तो बहुत जरूरी है इस कलयुग में सदगुरु मौला का नाम जपना, दृढ़ यकीन रखना। हालांकि ये दुनिया, ये त्रिलोकी, ये संसार पाप, बुरे कर्म, गुनाह से डूबा हुआ है,
चारों तरफ दलदल है, चारों तरफ बुराई का बोलबाला है। बुराई को कोई हाथ नहीं लगाता और अच्छाई को दबाने के लिए दुनिया तैयार फिरती है। तो ऐसे बुराई के युग में, ऐसे बुराई के काले समुंदर में ऐसे बन के रहो जैसे मुर्गा भी। कहते हैं वो पानी में तैरती है, पानी में डुबकी तक लगा देती है, लेकिन पंख सूखे होते हैं, पता नहीं कब उड़ारी भर दे। उसी तरह आप सेवा और सुमरण से अपने पंख को हमेशा गंदी दलदल से, बुराई के इस बोलबाले से बचा के रखिए। अपनी जीवात्मा को, अपने आप को, अगर आप अपने आप को बचा के रखते हैं तो यकीनन मालिक की दया में रहमत ऐसी बरसती है कि इस कलयुग में रहते हुए भी मालिक की खुशियों के आप हकदार बनते चले जाते हैं। तो दृढ़ यकीन का होना बहुत जरूरी है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं होता, इंसान मालिक की दया में रहमत के लायक नहीं बन सकता। तो दृढ़ यकीन रखो, मालिक की खुशियों के हकदार बनो, सेवा सुमण करते रहो। अपने अंदर अगर कोई कमी आती है उसे दूर करो, अपनी कमियों को निकालो। किसी की कमियों की तरफ निगाह मारने की जरूरत नहीं। अगर खुद की कमियां निकाल लोगे तो मालिक की खुशियों के हकदार जरूर बन जाओगे। अगर क्यों किंतु निंदा चुगली बुराई में लगे रहे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो मालिक की खुशियां मिलेंगी, ना दुनियादारी में कोई आपको पसंद करेगा। अगर आपके नाम को सलाम होती है, आपके नाम को नमस्कार होती है, तो सोचा करो आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आपके नाम को नमस्कार हो रही है। हमारे ख्याल से सतगुरु मौला का रहमो करम जब होता है तो दुनिया सलाम करती है, नमस्कार करती है। खुद निगाह मारोगे पता चल जाएगा कैसे कैसे कर्म आपने जिंदगी में कर रखे हैं, आपको खुद ही पता चलेगा है मैंने तो ये भी किया, मैंने वो भी किया। सब पता है उस परमपिता परमात्मा को, उस भगवान को। तो वो कर्म आपने कर रखे हैं, फिर मान बढ़ाई के हत्थे भी आप चढ़ जाते हैं कि नहीं भाई मुझे नमस्कार नहीं। गल में पटा अगर उस सतगुरु मौला के राम नाम का है तो हर कोई नमस्कार करता है, हर कोई पूजा करता है। और अगर निंदा चुगली पे उतर गए तो लोग आपका मुंह नहीं देखेंगे। इसलिए अपने अहंकार के घोड़े से नीचे आओ, दीनता नम्रता धारण करो, सच्चाई को अपनाया करो, झूठ को झुठलाया करो। क्योंकि सच कहना बड़ा मुश्किल है और सच को मानना भी उतना ही मुश्किल है। आप गलत काम कर रहे हैं, आपको कोई कहता वाह वाह आप तो कमाल के हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, तो वो बंदा आपको बड़ा अच्छा लगता है। पर आपके मुंह पे अगर कोई कह दे यार आप तो गुंडे हैं, आप तो फला फला काम करते हैं, मैंने आपको वहां बुरे कर्म करते देखा, तो आपके आग लग जाती। क्यों भाई, अगर आपने वैसा कर्म किया तो उसको मानो भी कि हाँ भाई तब मेरे से होते रहे, मैं गुनाहगार था, सतगुरु ने प्यार बख्शा, उसने रहमत की, तो अब मैं इंसान बन गया हूं। यह मानना भी बहुत बड़ी बात है। इंसान मानता नहीं, अपनी चीजें नहीं देखता कि मैंने पीछे क्या कर रखा है, वो नहीं याद। अपने आप को भक्त बना के, अपने आप को बड़ा साबित करके ये दिखा देना कि नहीं मैं सही हूं बाकी सारी दुनिया गलत, तो हमारे ख्याल से ये चीजें गलत हैं। अपने बारे में सोचो, एकांत में बैठो कि भाई कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए। जो अच्छे किए हैं सुमन कीजिए, भक्ति कीजिए मालिक और शक्ति दे, बुरे किए हैं तो भी भक्ति कीजिए कि मालिक ताकत दे कि मैं इन पापों को धो सकूं और आगे से इनके नजदीक भी ना जाऊं। ऐसी भक्ति करोगे, ऐसी प्रार्थना करोगे तो मालिक शक्ति बख्शेंगे, दया में रहमत से नवाजेंगे। आप अपने कर्मों की तरफ नहीं देखते, दूसरों को दोष देना बड़ा आसान हो जाता है, तो ये सही नहीं है।
ये गलत है। तो सच्चे दाता कर महारहमो करम दिवस है आज, तो ऐसे ही प्रण किया करो कि हाँ भाई मैं ये अपनी बुराइयां छोड़ूंगा, मैं 5 मिनट शाम को भक्ति करने से पहले थोड़ा सुमण करके 5 मिनट अपने बारे में सोचूंगा कि मैंने लाइफ में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण, कौन से अच्छे कर्म किए और कौन से बुरे कर्म किए। आपकी किताब जब खुलेगी आपको पता चलेगा, और आप बुराइयां छोड़ते जाएं, गुणों को ग्रहण करते जाएं, तो मालिक रहमो कर्म से नवाजेंगे। तो आप लोग हाथ खड़े कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ये प्रण करना चाहते हैं कि अपने बारे में 5 मिनट सोच के फिर आप आगे मालिक से प्यार और दूसरों को दोष देंगे, तो नारा लगा दीजिए, सुमण कीजिए, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। हाथ नीचे कर लीजिए। आप वास्तव में आज से ही शुरू हो जाएं तो यकीन मानो आप खुशियों के हकदार बनोगे, अहंकार के घोड़े पे सवार नहीं होगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैंने लाइफ में ये कर रखा है, फिर भी सदगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ रहे, बल्कि आप महारहमो कर्म के गुणगान ही गाते रहोगे सारी जिंदगी। फिर कोई आप ये नहीं कहोगे मेरा ये क्यों नहीं किया, मेरा वो क्यों नहीं किया, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यार मैंने ऐसे ऐसा कर रखा है तो भी मुझे रहमो कर्म ही मिलता है। तो मालिक आपको खुशी बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और आज महारहमो कर्म के दिवस पे एक भक्त योद्धा की शादी है जी, अति गरीब लड़की से, और उनका नाम या कुछ लिखा हुआ हमारे पास आया नहीं है। और इसी के साथ एक ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है जरूरतमंद को, वो किसने दिया है ये भी अभी पता नहीं है। और जरूरतमंद जो कोई मरीज आए हैं यहां पे, उनका फ्री में चेकअप हो रहा है आज। तो भक्त योद्धा, हाँ जी सासंग जी, ये हौसल खुशी तो होनी चाहिए। ये वो नौजवान, वो भक्त योद्धा हैं, आप समझ ही गए। तो ये दीन दुखी मध्यम बैंक में 8100 रुपए जमा करवा चुके हैं आशीर्वाद। मरणोपरा शरीरदान का पर 6 मेंबर, सो शरीरदान महादान आशीर्वाद। भक्त योद्धा का नाम है गगनदीप इंसा, पुत्र तेजा सिंह जी का, निवासी जोधपुर, जिला बरनाला, पंजाब। लड़की का नाम है रुपिंदर इंसा, पुत्री जसवीर सिंह इंसा जी की, निवासी लुधियाना, जिला लुधियाना, पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। और ये दोनों बच्चे शास्त्रम जी की नेशनल फोर्स विंग के मेंबर भी हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के बहना बहुत आशीर्वाद। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और इस जोड़ी को पूज्य हजूर पिताजी अपनी खुद की कड़ी मेहनत की कमाई में से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी, जोरदार तालियां बजाएं। जी आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी के दिन भी ये तन मन धन से दिन दुखी मदद करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और प्रेमी जितेंद्र इंसान बलाक्षोपर मध्य प्रदेश, इनके भाई के इलाज के लिए 1,00,000 रुपए का चेक शास्त्राम जी की नेशनल फोर्स विंग की तरफ से दिया जा रहा है। सुखविंदर इंसान ब्लाक टोहाना, इनके पति के इलाज के लिए भी 1,00,000 का चेक दिलवाया जा रहा है। और ये शास्त्राम जी की नेशनल फोर्स की तरफ से दिया गया। और जो ट्राइसाइकिल है ये भी शास्त्राम जी की नेशनल फोर्स की तरफ से दिया जा रहा है जी। और ये है राजपाल जिनको ये ट्राइसाइकिल दिया जा रहा है।
जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और साथ संगत विदेशों में बात करने वाले हैं, टू द पॉइंट जल्दी से बात करवा दीजिए। वर्जीनिया है, यूएसए, बेरगामो इटली, रोस्टॉक जर्मनी, कीजिए बात। हाँ जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो जी पिताजी, आप जी का बेटा समीर देवान इंसा यूएसए कनेक्टिकट से और जगह जगह यूएसए में सात संगत बैठी है जी। पिताजी सारी सात संगत की फल से नारा कबूल करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप जी की मूवी हिंद का नपाक को जवाब न्यूयॉर्क वर्जीनिया कैलिफोर्निया में चल चुकी है और कुछ जगह पे चल नहीं पाती है। पिताजी जिस कॉन्सेप्ट पे आपने मूवी बनाई है उस कॉन्सेप्ट पे काम करने की हिम्मत तो सिर्फ सच्चे सौदे का चेहरे हिंद ही कर सकता है। पिताजी मूवी के सॉन्ग बहुत जबरदस्त थे पिताजी, थैंक यू फॉर दैट। और सिस्टम मिल गया तो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, यहाँ के फॉरेनर्स को भी बहुत पसंद आए पिताजी। और पिताजी सबको अगली मूवी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंतजार है कि कब जल्दी से जल्दी लायन हार्ट थ्री भी आए और हम सारी सात संगत को दिखाएं और यहाँ के फॉरेनर्स को भी दिखाएं पिताजी। और आपके एक्शन, डांस, ड्रेस और डिफरेंट डिफरेंट रोल पिताजी सबको बहुत ही अच्छे लगे पिताजी। बस ऐसे ही अपनी रहमत और बनाए रखना पिताजी और सारी सात संगत को। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया जो आपने रखा हुआ है और मालिक बहुत बहुत खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, सबको बहुत आशीर्वाद 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 बेटा। इटली में मतलब बेरगामो में फिल्म लगाई हमने बड़ी धूमधाम से और बहुत ही आनंद आया पिताजी। और जितने भी संगत और जितने भी लोगों ने देखा सबने धूम धूम मचा दी। थिएटर वालों ने पिताजी जो सिनेमे वाला था, हमने तीसरी बार उस थिएटर में फिल्म लगाई है पिताजी, वो खुद हैरान था और उसके मुख से ये बातें सुनी हमने कि मैंने आज तक इतनी आवाज नहीं देखी है किसी भी मूवी की और ऐसे शॉट। और पिताजी वो हर बार मतलब अगली मूवी की इंतजार कर रहा है पिताजी। और पिताजी बस उसमें जो गाने हैं फिल्म में क्या कहना गानों का। और पिताजी हम तो आपको स्वरूप में ही पिताजी नजारा लेते हैं, सतगुर सतगुर के रहमो कर्म का नजारा लेते, चाहे गाना हो चाहे कुछ भी हो पिताजी, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट, यू जूड मी, थैंक यू फॉर दैट पिताजी। हर गाने का हर सीन का क्या कहना पिताजी, कोई वर्णन नहीं कर सकते पिताजी। पिताजी आपका हेयर स्टाइल, पिताजी आपकी ड्रेस, पिताजी लुक, पिताजी क्या क्या बताए, हर चीज उसमें नए तरीके से आदम तरीके से पिताजी देखने को मिली जी। पिताजी काम की वजह से सब आशीर्वाद चाहते हैं पिताजी, जी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। और आप लोगों को मूवी बहुत अच्छी लग रही है, देश विदेशों में भी, तो बहुत आशीर्वाद प्रसाद बन गया है, मारी खुशी दे जो भी आपने फ्रूट या प्रसाद रखा है बन गया, सब लोग लेना, बच्चे को भी आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। जी बोलो बेटा। जी आप जी के श्री चरणों में संगत जर्मनी परिवार का महा रहमोकरण दिवस के उपलक्ष में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी के समक्ष तीन बातें साझी करनी है, यदि आप आकर उपुल करें पिताजी। जी करो बेटा। सबसे पहला
जी को हिंद का नापाक को जवाब की बेहतरीन सफलता के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। दूसरी पिताजी, एमएफजी लाइन हार्ट वॉरियर के हाल में विश्व के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल 67 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बर्मिता में जबरदस्त स्क्रीनिंग के लिए आपकी को हार्दिक बधाई। पिताजी, इस ग्रेटफुल इवेंट में, ये बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट है जिसमें दुनिया भर के फिल्म फैकल्टी के बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और मीडिया के लोग शरीक होते हैं, जहां लोगों को अपना पूरा जीवन लग जाता है, वहीं आपकी की तीसरी मूवी ने इस हाई प्रोफाइल इवेंट में जो मीनिंगफुल सिनेमा का अपने आप का बड़ा पेयर है उसमें हिस्सा बनी। इस इवेंट में हॉलीवुड, यूरोपियन फिल्म फैटेलिटी, जापान, कोरिया, चाइना इत्यादि के दिग्गज शरीक होते हैं। रिचर्ड गेरे, शेरोन स्टोन, विम वेंडर्स, मैरिलिन स्ट्रीप, गेलन एंडरसन, ह्यूगो लूमा, मैगी गैलेनहार्ट इत्यादि लोगों ने इस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। पिताजी, मिलियन थैंक्स टू यू कि आपकी ने इस ग्रेटफुल इवेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का हम नाचीजों को ये मौका दिया। पिताजी, संगत को आपकी को इस विशेष उपलब्धि के अवसर पर एक स्टैंडिंग ओवेशन देनी चाहिए। डॉक्टर एमएससी वर्ल्ड। पिताजी, इस उपलक्ष्य में मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगी हमारे आईटी सिंह और हकीकत के विकास भाई का, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जी। और साथ संगत खड़ी हो गई है, आपने जो बोला पूरी साथ संगत खड़ी होके वो ओवेशन जो आप कह रहे हो वो दे रही है, तो सबको बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे पूरी साथ संगत को, बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएं, बैठ जाएं। हाँ बोले शेफाली, बोले बेटा। अवार्ड मिला है जिसमें जर्मनी से रोस्टॉक और गोटिंगन यूनिवर्सिटी,
यूएसए से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और चाइना से जेजियांग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक मिलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिग डेटा को मानवता की सेवा में लगाने हेतु रिसर्च करेंगे। पिताजी, आप हमेशा की तरह हमें गाइडेंस देते रहे। प्यारे सतगुरु जी, इस कार्य हेतु आपका बेटा कल 1 महीने के लिए तियानजिन चाइना जा रहा है। कृपा करके आशीर्वाद दें। आप पिंगलों से पहाड़ चढ़ाते हैं, हमें आशीर्वाद दें कि आपके बच्चे होने के नाते हम वो काम कर सके जिसकी आप हमसे उम्मीद रखते हैं। पिताजी, अपने इस बेटे को चरणों में लगा के रखे और अपने प्यार मोहब्बत की तरफ बढ़ाते रहे। आप जी का बहुमूल्य समय देने के लिए करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। और बातचीत से हुई भूल चूक को अपना बेटा समझकर क्षमा करें सतगुरु जी। हमने कुछ सामान जैसे लड्डू, बिस्कुट और बादाम रखा है, इसे अपने वचनों से प्रसाद बनाने की कृपा करें सतगुरु जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद प्रसाद बन गया और बहुत बहुत आपको मुबारक, आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि आप ही वहाँ पे लायन हार्ट वॉरियर का लेके गए बर्लिन में, और आप ही वहाँ पेश करने वाले थे आप। सो आपको भी बहुत बधाई कि आप लोग वहाँ पहुँचे, आपने वो सेवा की। और प्रसाद ले लेना, मालिक घरों में खुशियाँ बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, ये तीन परिवार हैं, आ जाए, तीनों परिवार आ जाएं जी। और विदेश जाने वाले हैं वो दोहा, कत्तर, लतीना, इटली, ऑस्ट्रेलिया से खड़े हो जाएं। प्रसाद ले जाना, बचनों पे पक्के रहना, सुमण करते रहना, मालिक साथ है। सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना। बाड़मेर से, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, जालंधर से आए फौजी साहबान भी, तो वो खड़े हो जाएं। बहुत आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद। और मालिक खुशी बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले जाना बेटा, आशीर्वाद विराजो, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद जी। तो परिवार आपस में आप देख रहे ना भाई अपने जीवन साथी को जी। तो साज बजेंगे और नारा लगा के दिल जोड़ माला डालनी है। हाँ जी, चलिए। और एक नौजवान शास्त्राम जी की नेशनल फोर्स विंग का मेंबर भी है, उसी वर्दी को तोहफा समझ के देना। बहुत आशीर्वाद। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और सब अपने अपनी जगह जाके बैठे, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। विदेशों से इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस से और इंडिया में आईवीआर माध्यम से हजारों लाखों की तादाद में साथ संगत देख रही है लाइव वीडियो पे सच चैनल से, तो सबको बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियां बख्शे, दिया मेरे रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। शास्त्रा मेडिकल स्कूल तारानगर लाइव मैसेज परिपत्र, हमारे स्कूल के पहली बार बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, आशीर्वाद बेटा। लगन से देना, मालिक साथ है बच्चों, पूरा लगन से हिम्मत से देना। सुमण करके 5 मिनट नारा लगा के फिर पढ़ना और फिर जाके आप पेपर दीजिए, आशीर्वाद। शास्त्राम जी की प्रशालन नई सेवा दर 5, बहन भाई खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाभियान के फार्म भर 9 सेवा दर खड़े हो जाएं। तो धन्य माव धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गया थे, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्हें बातें। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 4 से 75 दिन की सेवा की है, शाही कंटीन के सेवादार खड़े हो जाया करो। लंगर के लिए 10 ट्राली लेके आए हैं जी पवन इंसान। तो जो भी सेवा आप लोग करते हैं, जितनी सेवा की उससे कई गुना बढ़ के मालिक झोलियां भरे, दया में रहमत से नवाजे। सब परिवारों को बोलना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, प्रसाद ले जाना और सबको मालिक दया में रहमत से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। बीमार बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, तो ये प्रसाद दे रहे हैं। जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा सुमण करना है। कैंसर जला इलाज हमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने। बाहर से अगर फायदा ना हो तो अपना हॉस्पिटल है, यहाँ गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से फ्री है, तो यहां से इलाज करवा सकते हो। खाने पीने की अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नार लगा दो, मालिक माफ करेंगे, आगे से ख्याल रखा करें। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ।
पहली बार तीन परहेजों में गलती, जल्दी से खड़े हो जाया करो, इधर उधर मत देखा करो और खड़े रहना है। कहीं बाद में खड़े होते हैं तो वो माफी नहीं मिलती, फिर जब बोला तभी खड़े हो गए तो माफी मिलती है जी। तो आप मालिक से प्रार्थना करेंगे, मालिक आपको माफ करें, कभी भी कोई गलत काम जिंदगी में ना किया करो, खुशियां सब चली जाती हैं। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करें। सेवा पर न्याय समलैंगिकता की नारा लगाया, पुराण की अश्लीलता देखी, नशा किया, स्वरूप की बेअदबी की, खुशी बताई, गलत विचार आए, जीव हत्या की, प्रसाद खराब किया, खड़े होके नारा लगा के बैठ जाओ, कोई भी गलती कभी दोहराया ना करो। आशीर्वाद, देश राज इंसा, श्री राम इंसा, श्यामलाल इंसा, खड़े हो जाएं, तीन, देश राज श्री राम श्यामलाल, खड़े हो जाओ भाई, कहाँ हैं आप? तो लगातार दो महीने सुमन किया है, दूसरी बार माफी लेने आए हैं, लगातार सुमन चलता रहे, गलती पे गलती करते हो, खुशियां बेइंतहा दूर चली जाती हैं, तो लगातार सुमन करते रहना, प्रसाद ले लेना, मालिक माफ करने वाले हैं। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद, लगातार सुमन करते रहो। और पावन रहमो गर्म के देश में हिंद का नापा को जवाब मूवी के 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाने की खुशी में दीन दुखियों की मदद के लिए खाते में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। बाप बेटे की जोड़ी और जो रोज एक एक रुपया निकालते हैं तो 50,000 रुपए वो जमा करवा रहे हैं जी। शाही कंटीन चौथी शिफ्ट की सेवादार हनीप्रीत, और आप समझ ही गए होंगे, खड़े होते जाना। शाही कंटीन चौथी शिफ्ट के सेवादार 3,73,000, समान समिति की बहनें 15,770, कुरैत की सासंगत 1,00,000, शास्त्रमजी गर्ल्स कॉलेज के बच्चे स्टाफ सेवादार 15,000, शास्त्रमजी बॉय स्कूल सरसा के बच्चे स्टाफ 25,000, शास्त्रमजी गर्ल्स स्कूल सरसा के बच्चे स्टाफ 25,000, प्रिंसिपल गीता मोगा इंसान व परिवार 15,000। इनके अलावा 29 बहन भाई दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। तो बैनर लेके आए हैं बच्चे, उफ ये दिल मचलता है जब आप कहते हो आपा खांदे हैं पल्ला, इतना क्या काफी नहीं था जो रोकड़ा नहीं कह के मार दिया मेरे अल्लाह, हसन आपके डोलों के आगे हो जाएं सैकड़ों पहाड़ भी ढेर, आपको तो हम अपने वश में करके रहेंगे हमारे उड़न शेर जी। जी, और देखकर आपकी मूवी हम बच्चे करने आए हैं रिक्वेस्ट, मार्च पास है नहीं देने हमने कोई पेपर या टेस्ट, ये गड़बड़ है, किसी सब्जेक्ट का हमें कुछ नहीं आता पर मूवी पूरी है याद, हिंद का नापा को जवाब में से ही सारा पेपर आ जाए यही आपसे फरियाद जी। कह दो कोई नापाकों से खेले ना अंगारों से, गिन गिन कर हिसाब लेंगे गुनाहगारों से, ट्रेलर रीज होते ही खतरे की घंटी बजी, फिल्म आई तो उनकी कांटों की सेज सजी। वाज बाप बेटे की जोड़ी ने कर दिया धमाल, एक से बढ़कर एक सब रूप बनाए कमाल, देश के बच्चे बच्चे में भर दिया ऐसा जोश, देखकर जिसको नापाकों के उड़ गए हैं होश जी। आपकी खूबसूरती के सब दीवाने हो गए, हर किसी की जुबान पर आपके तराने हो गए, वो भी आपकी अदाकारी देखने पहुंचे थिएटर में, जिन्हें फिल्म देखे हुए जमाने हो गए। वाह प्यारे पापा जी, शास्त्रम जी बॉय स्कूल सिरसा के सभी बच्चे फाइनल पेपर हैं जी, सभी आप जी टिप्स पे पावन आशीर्वाद, टिप्स हम आपको दे चुके हैं, आशीर्वाद पूरा कि 5 मिनट सुमन किया करें, नारा लगा के और पढ़ के फिर जाया करें, और जो पेपर आप पेपर में से सवाल आते बड़े नंबर के अगर होते हैं तो उनको पहले कर दिया करो, और जो नहीं आते उनकी टेंशन मत लो, बस करते जाओ, जो जो आते हैं जो रह गए उनको बाद में सोचा करो। तो आगे जो है बैनर, हाँ इधर वाला आगे आ जा, इस साइड वाला आगे आना पड़ेगा आपको, आगे क्रॉस करो इसको, आगे आओ, वो वहीं रहो, वो दूसरा वहीं रहो जी, हाँ खींच के रखो बैनर, सही है, अब सही है। परम पिता जी का महारहमो करम दिवस है आया, सृष्टि का देखो आज कण कण है हर्षाया, इंसानियत पर आपके उपकार जाए ना गिनाए जी, काल के जाल में फंसी हुई रूहों को गले से लगाया जी। बहुत आशीर्वाद बच्चों, और जो भी दिन दुखी के मध्य में तन मन धन से दिन दुखियों के मध्य में आगे आते हैं, सबके घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, आत्मा की जीत हो, मन हार जाए, और अच्छे कामों में नेक कामों में
आप लोग तरक्की करें, मालिक से प्यार बढ़ता जाए, मालिक खुशियां बख्शे। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लेंगे, आशीर्वाद, बैठ जाइए। पांच परिवार आए जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है, एक ने नाम नहीं लिया था। परिवार वाले घंटा सुबह शाम उसके लिए सुमन करो, खड़े हो जाओ। महीना दो महीना मालिक रहमत करते हैं। एक परिवार अस्थियां लेके आया, आश्रम में देना चाहता है, कि पहले जमा करवा चुका है एडम वाले, वो अस्थियां ले लें। तीन का शरीर दान हुआ महादान, दो की आंखें दान महादान, दो की त्वचा दान, ये भी महादान है जी। चार परिवार भलाई फंड में दिन दुखी मध्यम बैंक में पैसे जमा करवा चुके हैं, परिवार दोनों तरफ इनाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो जो चला जाता है दुख जरूर लगता है, लेकिन जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है। सो प्रसाद ले लेना बेटा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, मालिक आपको ताकत दे, हिम्मत दे झेलने की, वो जरूर शक्ति देता है। सो इधर भी प्रसाद लेना और प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, आशीर्वाद। नशा छोड़ने वाला कोई ऐसा साधन के लिए रुकना होगा, परिवार का एक आदमी साथ रहे सात दिन, रहना फ्री खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाओ यार, तो जो नशेड़ी है उनका संग उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। शासक में शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, पेपर है, आशीर्वाद लेने आए, अगर कोई सामान भी लेके आए तो ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयनो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। मालिक आपको सबको बहुत बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, और एक बार फिर से शास्त्र राम जी दाता कहे वो रहमो करम महारहमो करम दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, और भंडारे की खुशियां आपकी झोलियों में मालिक डाले, आशीर्वाद। जो फिल्में देख रहे हैं और लगे हुए समाज में नेक कामों में भी लगे हुए हैं, उन सबको भी महारहमो करम दिवस के भंडारे की बहुत बहुत बधाइयां मिले, मुबारकें मिले, और सब बचन यहाँ के ज्यों के त्यों उनकी भी झोलियों में माला माल उनको करें, मालिक रहमो करम करे, आशीर्वाद। तो अब थोड़ा समय सज रहिएगा।